कोरोना का हॉटस्पॉट बना इंदौर शहर में भले ही संक्रमितों का आंकड़ा कम आ रहा है, लेकिन अभी भी लोगों द्वारा लापरवाही की जा रही है। इंदौर के रीगल तिराहे पर पुलिस द्वारा सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अनावश्यक रूप से निकलने वाले लोगों को कड़ी से पूछताछ की जा रही है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें बस में बैठाकर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। दरअसल कोरोना की चेन तोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सहित इंदौर में भी जनता कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन और निगम की टीम द्वारा इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर का माहौल देखने के लिए लोग सड़कों पर बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। आज इंदौर के रीगल तिराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और लगातार चेकिंग के माध्यम से उन्हें घर में रहने की समझाइश भी दे रहे हैं। इस दौरान संतोषजनक जवाब ना देने पर लोगों को अस्थायी जेल में भेजा जा रहा है। तेज हो गई है इस दौरान, किस तरह से आज सख्ती की जा रही है? सर, सख्ती तेज नहीं, सख्ती तो 21 तारीख से ही चल रही है और 21 तारीख के जो शुरुआत की थी कि लोग अनावश्यक रूप से न घूमें, बहुत आवश्यक जो घूम रहे हैं मेडिकल पर्पज़ से या अन्य जिनको नियम से घूम रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर कई लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, इससे निश्चित ही संक्रमण को बढ़ावा मिलता है और सब चाह रहे हैं कि इंदौर बहुत जल्दी सामान्य हो, तो उसके लिए हम थोड़ा सा आज व्यवस्थित रूप से चेकिंग कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अनावश्यक लोग न घूमें। सर, आज कुछ अस्थायी जेल के लिए भी कुछ? वो तो 21 तारीख से रेगुलर है। आज कितने लोगों को पकड़ा? अभी हमने बैठा है 10-12 लोगों गाड़ी में बैठा है अभी, और उधर अगले चौराहे पर अलग बैठा है, यहाँ से 12 या 15 लोग हैं उनको अभी हम अस्थायी जेल भिजवा देंगे, छुड़ जाएंगे। तो इनकी कोई वो RT-PCR जाँच भी की जा रही है क्या इन जो पकड़ा? अब वो जेल में क्या करते हैं वो हमें आइडिया नहीं, वहाँ जो भी व्यवस्था होगी वो करते होंगे।